ये आपका पेज तो यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ वोल्यूशन किया है, क्या वोल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? फेसबुक से काफी सारे लोग पैसा कमाते हैं और हमारे भाई नदीम भाई भी पैसा कमा रहे थे, बट इनके पेज पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है जो कि ये खुद बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे घर पे आने के लिए, हमारे स्टूडियो पे आने के लिए। जी सर, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। और मुझे मतलब काफ़ी दिनों से मतलब एक ये था कि मुझे सर से मिलना है, और आज ये अगर देखेंगे तो सर से आज मुझे मिल के बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है सर। चलो थैंक यू सो मच भाई। हम काम की बात करते हैं। देखो काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वो पैसा कमाते हैं यूट्यूब से, कोई इंस्टाग्राम से, कोई फेसबुक से, तो ये भाई जो है ना वायरल है फेसबुक पे, और इनका मैं पेज आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो क्या पेज है, नदीम ताज व्लॉग्स। ये एक्चुअली में क्या करते हैं, अपने कंटेंट को इतना बेहतर तरीके से रिलीज करते हैं, बट किस फॉर्म में, व्लॉग्स की फॉर्म पे, है ना? जी सर, जी सर। तो आप जो है ना इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हो? जी सर। और यूट्यूब पे? यूट्यूब पे भी करता हूँ। सब इसी नाम से? सब जगह एक ही नाम से। यूट्यूब चैनल मोटाई से? जी नहीं, अभी वो नहीं हुआ सर। अच्छा, और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम अभी मोटाइज होता ही नहीं है। नहीं होता ही नहीं है मगर उस पर भी रियल तरह से काम कर रहा हूँ। आप वहाँ पे मतलब प्रमोशंस करते हो? नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर फेसबुक पे सिर्फ करता हूँ, बाकी यूट्यूब पे करता हूँ। तो दोस्तों ये एक्चुअली में हमारे घर पे आए हैं रीजन से, किस रीजन से? रीज़न सर यही था कि मैं मतलब फेसबुक पर मतलब सोशल मीडिया पर मतलब पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। अभी हाल ही में 10 से 15 दिन हुआ है मेरे फेसबुक पेज पे पेज नॉट एलिजिबल वाली प्रॉब्लम आई है, जिससे मैं मतलब जो डेली की जो मैं वीडियो अपलोड करता था उसमें $0.50 की इनकम हो जाती थी, मगर कुछ रीज़न होने की वजह से अभी इनकम रुक गई। तो वही सर से आए हैं मिलने के लिए इसका सोल्यूशन। तो भाई इनका जो प्रॉब्लम है वो है पेज नॉट एलिजिबल। सबसे पहले हम इनके पेज का रिव्यू करते हैं। नदीम ताज व्लॉग्स है और शायद लोकल की ऑडियंस आपके पास है। जी सर, जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मोर पे जाता हूँ मैं, वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर जाता हूँ, तो देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं अपने पेज पे। तो यहाँ पे ओहो कमेंट तो काफ़ी भर भर के आ रहे हैं भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी, आप देख सकते हो 1600 व्यूज लाइव स्ट्रीम करी है शायद, और यहाँ पे 3400 व्यूज, यानी के ये आप देख सकते हो 51,000 व्यूज भी अवेलेबल है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो भाई कितना अच्छा व्यूज आ रहा है, लोकल के हिसाब से काम कर रहे हैं। मऊ के रहने वाले हो क्या? जी सर, जी सर। तो ये एक्चुअली मैं जो इनका पेज में देख रहा हूँ, मऊ के कितने सारे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे कौन से हैं, बुरे कौन से हैं, कौन से पार्क है, कौन कहाँ रेलवे स्टेशन है, कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या, ये भी बताते हो प्लेटफॉर्म के बारे में? जी जी सर, जी सर। अच्छा, मतलब मऊ के अंदर यही सर रहता है कि अपने मऊ से वो नई चीज़ ढूंढ के निकालो जो लोग वीडियो नहीं बना। मऊ में आसपास में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जैसे मैं मऊ मतलब मुख्तार अंसारी। जी सर। अरे वाह, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आप तो गुंडा उंडा नहीं हो? नो नो सर, नो सर, ना ऐसी कोई बात नहीं। अभी देखिए सर, हाल ही में ये वाली मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, ये वाले पर सर व्यूज अगर आप देखेंगे। अच्छा अच्छा, तो मैं ये देख लेता हूँ, मऊ पर जाता हूँ भाई लेके भाई को ऊपर, ये देख लेते हैं। यस, ये देखो कितनी बेहतरीन वीडियो उन्होंने अपलोड करी है, ये आप देख सकते हो। मऊ का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट, ठीक है ना, खाने पीने का बिरयानी मेल फैमिली रेस्टोरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इनके कितने हैं, 142, यानी कि 142,000 व्यूज आया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 111,000। ठीक है, तो यानी कि मऊ की सबसे मशहूर मार्केट देखकर चौंक जाएंगे आप। तो इसका मतलब है आप लोकल ऑडियंस के लिए काम करते हो? जी सर, जी सर। टारगेट उन्हें करते हो? टारगेट। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि सर अपने मऊ में मतलब नई चीज़ ढूंढ के निकालना है, जो चीज़ लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए वो मैं वीडियो के थ्रू वहाँ तक पहुँचता हूँ, और लोगों को वो चीज़ जो है एक्सप्लोर करके वो चीज़ को मैं वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ लोगों को। तो भाई इनका पेज जो है मोनेटाइज हो चुका था और अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे थे, पर प्रॉब्लम यह है कि भाई के चैनल पर जो मोनेटाइजेशन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इनके चैनल पेज पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये है मेटा शूट स्टूडियो। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे लैंड हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे है इनका ओवरव्यू, और आप देखोगे यहाँ पे $0.03 कमाए हैं, वो भी लास्ट 7 डेज में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पिछले 10 दिनों के अंदर से ये हमारी अर्निंग डाउन हुई है, अभी पेज नॉट एलिजिबल वाली जब थी, कभी कभी $0.50 के मतलब ये है कि आपका तो 10,000 लाइक थी, उसे $10 के करीब करीब फेसबुक पे यही फायदा है दोस्तों। अगर आपकी वीडियो ना चले तो आप पोस्ट के थ्रू भी, अगर इंप्रेशन जा रहा है तो आपको पोस्ट के थ्रू भी आप आराम से पैसे को अर्न कर सकते हैं। तो बात मेन मुद्दे की है कि इनका जो प्रॉब्लम है ना
वो यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो $0.03 इस टाइम है। इसका मतलब अर्निंग ना के बराबर है, कुछ भी अर्निंग नहीं है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी जब ये अर्निंग जो है ना इनकी बंद है। अब हम प्रॉब्लम्स जानने के लिए देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे जाते हैं तो वो तो इनका एलिजिबल है सब कुछ, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाते हैं इन स्ट्रीम एड तो वो भी यहाँ पे इनेबल है, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये है पॉलिसी इश्यूज, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हमारा पे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के बाद में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो मोटेशन ब्रीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी कोई भी वोलेशन नहीं है और ये आपका जो पेज है वो इस टाइम जो है ना मोनेटाइज है, ठीक है। बट कुछ इश्यूज क्या है वो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है। ये देखो यहाँ पे लिखा है डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर ईच टूल बेस्ड ऑन दिस एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मोटेशन टूल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है देखो पेज नोट एलिजिबल। इसका मतलब है कि भाई ना कोई वॉल्यूशन किया है। अब हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। अगर आपका भी प्रॉब्लम है पेज नोट एलिजिबल तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो अभी हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन ये है पेज नोट एलिजिबल, अगर आपका ये आ जाता है इसका मतलब आपने कोई ना कोई वॉल्यूशन किया है। देखो भाई नदीम भाई, ये आपका पेज तो यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ वॉल्यूशन किया है, क्या वॉल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से तो सर मैं जितने भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ मेरी जो ऑडियंस है देखती भी होगी कि मैं फोटो वीडियो अपलोड यही करता हूँ। ऐसी कोई गलती तो करता नहीं हूँ, मगर ये किस रीजन से हुआ है मुझको खुद नहीं पता है। हालांकि मेरे वीडियो पे कुछ मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो मेरी ऑडियंस देखती भी है और ऐसा कुछ उसमें मैं गलत चीज़ दिखाता नहीं हूँ, फिर भी कोई ऐसा वायलेशन आ गया जिसकी वजह से ये पेज नॉट एलिजिबल वाली प्रॉब्लम आई। मुझे टीम से मैं फेसबुक टीम को मैसेज भी किया हूँ, कुछ रिप्लाई नहीं आता, इसलिए मैं बनारस से चल के मतलब मऊ से चल के अगर यहाँ देखा जाए तो इसरार मलिक सर के पास आया हूँ। करीब करीब अगर देखा जाए तो 800 से 900 किलोमीटर दूरी है, यहाँ पर आया हूँ और सर से इसका ऑप्शन। भाई इतनी दूर से नाश्ता पानी कुछ हुआ? जी सर बिल्कुल, पानी पूनी मिला ठंडा? जी सर बहुत अच्छे से सर इन्होंने हमको मतलब कहा जाए तो मेहमान नवाजी की है घर की तरफ से। अच्छा भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरी इनसे जो है ना ऑफ कैमरे पे बात हुई थी तो इन्होंने मुझे बताया था, स्क्रीनशॉट हम लगा देंगे यहाँ पे, कुछ वॉल्यूशन आया था, सेक्सुअल कुछ प्रॉब्लम आई थी या शायद कुछ हार्म एंड पॉलिसीज के। जी सर वो तो मैं नॉर्मल एक अपना देखा जाए तो उस अपने मऊ के प्राइवेट बस अड्डे की एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में ऐसा कुछ मैं देखा नहीं है, बस उसका वायलेशन आ गया, मुझको नॉलेज नहीं थी, उस वीडियो को मैं डिलीट कर दिया। बस यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। अगर आपको कभी भी वॉल्यूशन आता है तो आपको टेक एक्शंस का एक ऑप्शंस मिलता है जिस तरह से यहाँ पे मिल रहा है, अगर आप उस पर क्लैरिफिकेशन दे देते हो अपने कि भाई ये जो इश्यूज है जो ये प्रॉब्लम है ये एक्चुअली में जो है ना उसको डिस्क्राइब अगर करोगे एक्सप्लेन करोगे सही से तो आपकी ये प्रॉब्लम हट सकती है। बट इन्होंने कर दी क्या, इन्होंने वीडियो को डिलीट कर दिया। अब जो है ना मतलब कई केसेस में ये होता है नदीम भाई कि ये प्रॉब्लम जो है ना 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक दूर हो जाती है अगर आप अपना रियल कंटेंट डाल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप रियली कंटेंट डाल रहे होंगे। और हाँ वॉल्यूशन कई बार गलती से भी आ जाता है, बट मेरा ये मानना है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दो तरीके हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब रेगुलर यहाँ पर मैं एक्टिव हूँ जैसे मैं वीडियो बनाता रहूँ या? बिल्कुल आपको वीडियो बनानी है पर अभी 4-5 आपको क्या करना है, लाइव करनी है, 4-5 आप लाइव कर लीजिए, उसके बाद रेगुलर बनाइए, उसके बाद म्यूजिक से इग्नोर करिए, म्यूजिक वगैरह नहीं आना चाहिए, जितने भी वीडियो हमारी उठा के देखेंगे पिछले। अच्छा अच्छा, थोड़ा फेस कैम करने की कोशिश करिए। फेस सर मैं हर वीडियो में करता हूँ। हाँ ठीक है। तो भाई अब आपको क्या करना है, दो तरीके मैंने बताया, लाइव स्ट्रीम करनी है, अपनी वीडियो डाल दी, वो जो डाल रहे हैं वो तो सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपको सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, बट काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि सपोर्ट टीम से बात कैसे करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, या फिर मैं आपको बता दूँ कि सपोर्ट टीम का जो ऑप्शंस है वो कैसे आता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखो ये इनका पेज है, ठीक है, ये है नदीम ताज ब्लॉग्स, ये इनका पेज है, बट आपको इनके पर्सनल इस पे जाना पड़ेगा जो पर्सनल प्रोफाइल होती है यानी कि फेसबुक का अकाउंट। तो हम इनके मेन फेसबुक अकाउंट पे लैंड हो गए हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, राइट में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको हेल्प एंड सपोर्ट, इस पे क्लिक करोगे और ये एक्चुअल में आपको ऑप्शंस है हेल्प एंड सेंटर का, इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में ऊपर की तरफ जाओगे यहाँ पे आपको मिलेगा विजिट बिजनेस हेल्प सेंटर, इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में ऊपर की तरफ जाओगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा ये वाला गेट स्टार्ट का, क्लिक करते ही आपके पास एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा
होने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। देखो यहाँ पे इनका चैट सपोर्ट का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, बट अगर यहाँ पे आपको चैट सपोर्ट का ऑप्शन चाहिए, जिस तरह से मेरा पेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चैट सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अपने पेज से एक वीडियो को आप प्रमोट कर दीजिए, उसमें आप 400-500 रुपये खर्च करिए, ठीक है। तो उसके बाद जब आपका एड्स अप्रूव हो जाएगा तो 4-5 दिन के बाद ही आपका चैट सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आप चैट सपोर्ट से अपना कंसर्न, अपना जो भी प्रॉब्लम है कंसर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बताएंगे। बट मैंने ये देखा है कि YouTube में और Facebook में बहुत डिफरेंस होता है। YouTube की टीम बहुत एक्यूरेटली और बहुत सही टाइम पे आपको रिप्लाई देती है, बट Facebook पे ऐसा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो ये आपका प्रॉब्लम आ रहा है, जो आपका ये पेज नॉट एलिजिबल का प्रॉब्लम आ रहा है, ये ऑटोमेटिक 30 डेज के बाद भी दूर हो जाती है, ठीक है। जैसे मेरा भी जो है ना ऑटोमेटिक दूर हो गया। सर जैसे आप कहते हैं मैं उस हिसाब से काम करूँ बिल्कुल, या फिर अगर आपको जल्दी चाहिए तो सपोर्ट टीम से आप बात करिए, ठीक है ना। ठीक है सर, और कोई इशू? और सर कोई इशू तो नहीं है सर। भाई एक बात बताना चाहता हूँ कि इतनी दूर से अगर आप आते हैं तो एक काम कर लिया करो यार, कम से कम वीडियो देख लिया करो। तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता रहता है कि कैसे प्रॉब्लम फिक्स होती है, कैसे चैट सपोर्ट इनेबल होगा, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। पर हाँ, जो भी भाई की प्रॉब्लम है हमने अपने तरीके से पूरे बेहतर नॉलेज के साथ जी सर आपको बताया है कि किस तरह से हम इसको सोल्व आउट करते हैं। जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह जरूर से दूर हो जाएगा। और मैंने आपको नंबर भी प्रोवाइड करा दिया, अगर ऐसा कुछ लगता है मुझे कॉल करना, ठीक है सर। ठीक है सर। और सर लास्ट में सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत अच्छे से जो है पूरा अच्छे तरह से इसको समझाया और बताया मुझको, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।